सदा यूं ही तेरा यार बन के, तेरा यार बन के। तो गाइज आपको भी अगर ऐसे वीडियो बना के अपने इंस्टा पर अपलोड करना है ठीक है, और इस वीडियो को गाइज बनाने में आपको कितना वक्त लगेगा, मतलब यार 2 से 3 मिनट ठीक है, तो आपको इस वीडियो को यार ध्यान से देखना पड़ेगा दोस्तों। इस वीडियो को अगर गाइज आप ध्यान से देखेंगे ना तो आपको गाइज एडिटिंग सीखने में ज़्यादा टाइम लगेगा। तो चलिए गाइज बिना देरी के वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के लिए आपको गाइज कुछ मतलब यार कोई चीज़ का जरूरत नहीं है, जो जो गाइज मटेरियल है वो मैं गाइज आपको दे दूंगा अपने गाइज मिडफायर का मतलब अपने जो गाइज डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर देने के बाद आपको जस्ट उसको डाउनलोड कर लेना। तो दोस्तों मेरा जो रिक्वेस्ट है यार मेरा वीडियो को लास्ट तक देना, नहीं तो गाइस को समझ में नहीं आएगा आपको कैसे कैसे मतलब यूज करना है। तो चलिए गाइस बिना देरी के वीडियो को करते स्टार्ट। तो दोस्तों मेरा नाम है कंचन, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके हमारे यूट्यूब चैनल कंचन का एडिटिंग में। तो दोस्तों चैनल को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन को ऊपर सेट कर देना। तो मिलते हैं गाइस काइंड मास्टर में, आपको काइंड मास्टर को ओपन कर लेना, उसके बाद आपको क्रिएट नाउ के ऊपर क्लिक करना है। तो क्रिएट नाउ के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करने के लिए आएगा। तो दोस्तों हमारे जो इंस्टाग्राम है उसके लिए आपको यहाँ पर 9:16 का आपको सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पर नेक्स्ट कर देना है, और नेक्स्ट करने के बाद आपको यहाँ पर इमेज पर जाना है। उसके बाद आपको यहाँ पर गाइज एक बैकग्राउंड चूज कर लेना है जो गाइज ब्लैक, तो जितना बड़ा आपका वीडियो उतना बड़ा आपको चूज कर लेना है। उसके बाद आपको करना कि आपको जाना होगा गाइज लेयर के ऑप्शन में, मीडिया के ऑप्शन में, और मीडिया के ऑप्शन में जाने के बाद फर्स्ट आपको ले लेना है गाइज ये वाला फोटो को। तो दोस्तों ये अपना मतलब खुद का भी ऐसा फोटो आप बना के यार पीएनजी कर सकते हो, और पीएनजी करने के बाद आपको इसको बनाने, उसके बाद आपको यहां पर क्रॉप में जाना है, उसके बाद आपको यहां पर मार्क्स को गाइस इनेबल करने के बाद आपको यहां पर फेदर को थोड़ा सा बड़ा कर देना है कुछ इस तरह से, मैं गाइस जैसे कर रहा हूं। तो ये वाला हमारा हो चुका है, अभी हम क्या करेंगे फिर से पहले मतलब यार सब लगा लेता हूं। तो यहां पर फिर से लेयर में जाएंगे, मीडिया में जाएंगे, और यहां पर गाइस जो हमारा बड़ा वाला फोटो है उसको भी ले लेंगे। तो गाइस अगर आपका कुछ इस तरह का है तो आपको यहां पर रोटेट कर लेना, तो गाइस मैं यहां पर रोटेट कर लेता हूं और इसको और थोड़ा सा बड़ा करके कुछ इस तरह से लगा लेता हूं ठीक है। तो ऐसे लगाने के बाद आपको अभी क्या करना है, ये जो गाइस ऊपर वाला फोटो है इसके ऊपर क्लिक करना, आपको गाइस यहां पर जाना है अल्फा के ऊपर, और इसका जो गाइज मतलब यार थोड़ा सा फोटो का ये आपको इसको थोड़ा सा ओपेसिटी को थोड़ा सा कम कर देना है। तो ये गाइज हमारा कंप्लीट हो चुका है, अभी आपको क्या करना है फिर से लेयर में जाना है, मीडिया के ऑप्शन में जाना है, और गाइज यहाँ पर जो ये वाला देख सकते हो जो गाइज लाइट पीएनजी है, तो ये लाइट पीएनजी आपको गाइज हमारे मतलब यार डिस्क्रिप्शन में ये सब कुछ मिल जाएगा। तो ये देने के बाद आपको जाना है ब्लेंडिंग के ऑप्शन में, उसके बाद आपको यहाँ कर देना है स्क्रीन को, उसके बाद थोड़ा सा बड़ा करके आपको कुछ इस तरह से इस जगह पर लगा देना, तो इसमें थोड़ा सा लाइटिंग वगैरह का इफेक्ट आता है तो ये बहुत ही अच्छा लगा। उसके बाद आपको फिर से लेयर में, तो दोस्तों बार बार आपको लेयर में जा रहे हैं क्योंकि बोल रहा हूँ, उसके बाद आपको करना क्या, आपको यहाँ पर जो गाइज यहाँ पर देख सकते हो जो गाइज ये मतलब टेम्पलेट है जो गाइज ब्लैक स्किन का, तो ये आपको लगा लेना है, तो ये भी गाइज मिल जाएगा। उसके बाद आपको इसको करना कि आपको सिंपल से नीचे चला जाना है, नीचे जाने के बाद आपको ब्लेंडिंग में जाना है, और ब्लेंडिंग में जाने के बाद आपको यहाँ पर जो गाइज स्क्रीन कर देना है, स्क्रीन करने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरह का दिखेगा। और उसके बाद अगर आपको फिर से और भी मैं दे दूंगा तो आपको ये वाला अगर लगाना है तो गाइज ये भी आप लगा सकते हैं, ये थोड़ा सा अलग टाइप का है जो गाइज टेम्पलेट आप देख सकते हो जो ब्लैक स्किन, तो ये हम लगाने के बाद इसको भी इस तरह का यार ब्लेंडिंग कर देते हैं ठीक है। तो अभी गाइज हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो देख सकते हो जितने भी फोटो वोटो है इसको भी बड़ा करेंगे, तो इसके लिए आपको इस जगह पे क्लिक करना है, और इस जगह पे क्लिक करने के बाद इसको गाइज दोनों हाथ से कुछ इस तरह सबको छोटा कर देना ठीक है। और छोटा करने के बाद आपको जस्ट गाइज कुछ इस तरह से बड़ा करने के बाद गाइज देख सकते हो मैं जहाँ से मतलब जैसे कर रहा हूँ आपको भी सेम टू सेम देख सकते हो मेरा जो गाइज साउंड है इतना तक है। तो गाइज मैं इतना तक अभी नहीं बनाऊंगा आपको दिखाने के लिए, कुछ इस तरह का भी बना रहा हूँ, आपको यार बड़ा कर लेना ऑटोमेटिकली। तो ये हो जाने के बाद आपको देखना जो गाइज यहाँ पर आपको यहाँ पर जो देख सकते हो नीचे गाइज यहाँ पर साउंड आ रहा है, तो यहाँ पर जो गाइज सॉन्ग का मतलब लिरिक्स जहाँ आपको यहाँ पर करना क्या, आपको सिंपल से इस जगह पे आ जाना है ठीक है कुछ इस तरह का। तो आ जाने के बाद आपको गाइस लेयर में जाना है, उसके बाद गाइस यहां पर जो देख सकते हैं हैंडराइटिंग करके लिखा है इसके ऊपर क्लिक करना है, और आपको गाइस इसको कुछ इस तरह से आपको ये वाला मार्क्स लगा देना, देख सकते हैं मैंने यहां पर ये वाला लगाया। उसके बाद आपको जस्ट थोड़ा सा कुछ इस तरह से बड़ा कर देना, देख सकते हो मैंने कट करने के लिए, तो ये हमारा जो गाइस बन चुका है। तो इसको अभी क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा और छोटा करेंगे और आपको गाइस यहां पर लगा लेना ठीक है। ऐसे लगाने के बाद आप इसमें गाइस अपना फोटो भी दे सकते हो, तो मैं फिर से यहां पर मीडिया पे जाता हूं, और मीडिया पे जाने के बाद में क्या करूंगा, ये जो गाइस फोटो है मैं इस फोटो को यहां पर दे दूंगा ठीक है। तो कुछ इस तरह का, तो गाइस आपको जस्ट इसको ध्यान से लगाना है क्योंकि आपको फिर से क्रॉप में जाना है, उसके बाद मार्क्स में जाना है, और मार्क्स में जाने के बाद आपको यहां पर क्लिक के ऊपर जाने के बाद इसका आपको जो यहां पर देख सकते हो गोल टाइप का है कुछ इस तरह का, तो यह देने के बाद आपको कुछ इस तरह से कर देना है, और उसके बाद आपको यहां पर राइट कर देना है। राइट करने के बाद क्या होगा, इसको जो है गाइस आप इसको थोड़ा सा कुछ इस तरह से बड़ा करेंगे तो आपको यहां पर कुछ इस तरह से लगा लेना, देख सकते हो गाइस मैंने जैसे लगा रहा हूं। तो ऐसे लग जाने के बाद अपना नाम गाइस यहां पर लेयर पे जाना है, मीडिया पे जाना है, और मैं गाइस अभी दे दूंगा एडिटिंग, ये लिखने के बाद आपको फ्रंट में स्टाइल देना है, और आपको गाइस इसको छोटा करके आपको इस जगह पे लगा देना है। तो गाइस पूरा वीडियो बन जाने के बाद आपको जो यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर जो फोटो लगाया था इस फोटो को जाना है, उसके बाद आपको इन एनिमेशन के ऊपर क्लिक करना है, इसको गाइस फेड कर देना है कुछ इस तरह से थोड़ा सा इधर करके। तो मैं गाइस कुछ इस तरह से कर देता हूँ हैंडराइटिंग में जाके, इसको भी गाइस आपको एनिमेशन में जाना होगा, और इसको भी गाइस फेड करने के बाद कुछ इस तरह से कर देना, इसमें क्या होगा थोड़ा सा स्टाइलिश लगेगा। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मेरा जितने भी टाइम आ जाएगा कुछ इस तरह का आप देख सकते हो फेड टाइप का हो रहा है। तो गाइस वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर
बताना, और चैनल में अगर नया तो यार चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को पर सेट कर देना। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।